अपनी मेरा निवेदन है मौलाना रशीदी, आपने एक बात को बोला, आपने ऋग्वेद को कोट किया, यू कोटेड ऋग्वेद एज पर यू, आपने बोला फलाने पेज पर लिखा है कि हिंदू औरतों को ढक के चलना चाहिए, इससे उसके अलावा आपने आई डोंट वांट टू रिपीट इट, लेकिन इसको एक सेकंड सुनना पड़ेगा। मौलाना रशीदी मुंह में हाथ आपने डाला है, मुंह में हाथ आपने डाला है मौलाना रशीदी जी, आपको सुनना पड़ेगा, ये गलत है ना। आप मुझे बताइए, आप बताइए कौन से पेज पे ऋग्वेद के लिखा हुआ है, ऋग्वेद के कौन से पन्ने पे लिखा हुआ है कि हिंदू औरतों को ढक छुप के आना चाहिए और हाथ पैर जोड़ के रखने चाहिए, ये कहां बोला हुआ है, ये कहां बोला हुआ है, पेज नंबर बताइए। सुभ्राष्टा तो यही बात कह रही है, वो कह रही है कि मौलाना बताओ कहां लिखा हुआ है, मैं पेज खोलने को तैयार हूं। तमीज की बात नहीं है, आप मुझे बताइए आपने पन्ना नंबर कौन सा बताया, पेज नंबर बताइए ना, दोबारा बताइए पेज नंबर, आप नहीं खोल पा रहे, आप पेज नहीं खोल पा रहे तो खोलेंगे, ये व्हाट्सएप मैसेज नहीं, आप मुझे पेज नंबर बताइए, नंबर दीजिए आपको अभी भेज रहा हूं, पेज नंबर बताइए ना, पेज नंबर बोलिए, व्हाट्सएप नंबर दीजिए अभी भेज रहा हूं, पेज नंबर बोलिए, पेज नंबर बोलिए ना, आपने पढ़ा होगा, आपने पेज नंबर बोला था, अब आपने बोला था उस टाइम पे पेज नंबर, अब आप पेज नंबर नहीं बोल रहे। सुभ्राष्ट्रा Now this stands exposes कि पेज नंबर अब बताया नहीं जा रहा, पेज नंबर कौन सा था, अगर मुझे ध्यान में है, नहीं ये तो कमाल हो गया, अब सुभ्राष्टा ऋग्वेद की कॉपी लेके आ गई तो आप पेज नंबर नहीं बता रहे, एक्सपोज हो चुके हो, ऋग्वेद उठाइए, अरे तब से आपका ऋग्वेद, तब से आप ऋग्वेद ही नहीं उठा पा रहे, इतना भारी तो है नहीं ऋग्वेद, अरे वो रचना सुना दीजिए, ऋग्वेद में कौन सी रचना थी, रचना कौन सी थी ऋग्वेद में, ये देखिए ऋग्वेद है कि नहीं है, देखिए ऋग्वेद है, हाँ तो पन्नी भी नहीं खोल रही है, आपने पढ़ा ही नहीं है, देखिए ऋग्वेद है कि नहीं, पेज नंबर बताइए, ऋग्वेद है कि नहीं है, पेज नंबर बताइए, पेज नंबर बताइए, मैं एहतराम के साथ रखता हूँ, बिल्कुल एहतराम के साथ, पेज नंबर बताइए, पेज नंबर बताइए, मैं धार्मिक किताबों को एहतराम के साथ रखता हूँ, बिल्कुल एहतराम के साथ, पेज नंबर बताइए ना, मैं धार्मिक किताबों को पेज नंबर बता के, अरे कमाल की बात है, पेज नंबर बता के श्लोक बताइए, एहतराम के साथ रखता हूँ, बिल्कुल एहतराम के साथ लगना चाहिए कि धार्मिक किताबों को पढ़ना भी चाहिए, ऋग्वेद को, इससे आपका जीवन अच्छा होगा, किताब को मत बताइए, पेज नंबर 833 श्लोक की बात कर रहे हैं, पेज नंबर 833 मंत्र नंबर 1920 मंत्र नंबर 1920 पढ़िए, आपको तो सनातन धर्म की हवा भी नहीं है, एक बात हवा भी नहीं है आप लोगों को, नहीं है आप लोगों को सनातन धर्म की हवा भी नहीं है, ही नहीं। आप जानते भी नहीं है, में है सूक्त, आपको तो सनातन धर्म सूक्त और जिस सनातन धर्म की हवा ही नहीं है, आपको सुना देती हूँ, ये तो अरे चुप रही है आप, आपको तो पता भी नहीं क्या सनातन धर्म है, कहाँ आप महिलाओं की बात कर रहे हैं, क्या सनातन धर्म है आपको तो पता भी नहीं है, ये तो सनातन धर्म क्या है आपको पता भी नहीं है, ये तो अग्नि देव, आपको तो हवा भी नहीं, जी 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 कहाँ की बात कर, ये तो आपको आपको आप तो हवा भी नहीं है, आप कुरान शरीफ आपको तो हवा भी नहीं है, और वहां से अपने सूक्त निकालिए कि महिलाओं अरे महिलाओं की अवस्था कैसे ठीक की जा सकती है, हमें मत समझाइए क्योंकि आप झूठ बोल आप, रहे हैं, आप श्लोक आप क्यों नहीं सुना रहे, वेदों को पढ़िए, आपको हवा भी नहीं, सुनाइए मैं तो सुना सकती हूँ, अच्छा मैं तो कहती हूँ हवा भी नहीं, अग्नि 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 देवता, अग्नि देवता को आह्वान करते हुए कहा जा रहा है, प्र वह शुक्राय भानवे भरद्वम हव्यम मतिम चाग्नये सुपूतम यो दैवानि मानुषा जनुंश्यंत विश्वानि विद्वना जिगाते, यहाँ पे महिलाओं की तो बात नहीं है मौलाना, उसके बाद का सूक्त कहता है, आप पता नहीं कौन सा पेज खोल रही है, ठीक है चक्रपाणि स्वामी, चक्रपाणि को जाते हैं, अब देखिए काफी देर से आप नंबर 1920 पढ़िए, काफी देर से आप बोल रहे हैं, सही गलत की बात जाते हैं, चक्रपाणि महाराज भी है, चक्रपाणि महाराज का पढ़ रही है, चक्रपाणि महाराज अंतारिक फतेह, अंतारिक फतेह का पढ़ रही है, ये खोलिए, ये देखिए चक्रपाणि महाराज, देखिए आप अपने मतलब, देखिए ऐसा है, देखिए जी चक्रपाणि मौलाना साहब शांत रहो, मौलाना साहब एक तो मौलाना रसीदी साहब जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बन के जो ज्ञान बांट रहे हैं सूक्त और मंडल को, जबकि मंत्र बोलने आ नहीं रहा, मंत्र मंत्र कर रहे हैं, सवाल इस बात का है मौलाना साहब जी, आप अपने बेटियों की रक्षा करो, बहनों की रक्षा करो, हम उसकी बातें कर रहे हैं भाई, आप PFI के लगाया हुआ आग को लेकर के जो आप चल रहे हो ना, इसको क्यों देश की एकता अखंडता प्रभावित कर रहे हो यार, आप देश के संविधान को क्यों नहीं मान रहे हो, आप क्यों आप देश का इस्लामीकरण और गजवाए हिंद बनाने के चक्कर में हो, अरे अरे भाई आप इसको मानिए, शस्त्रार्थ कर लेना भाई,
मानिए आप अरे इसको। मौलाना साहब या तो शरणार्थी कर ले सनातन धर्म का केस, लेकिन मौलाना रशीदी ये केस सनातन ये सुप्रीम कोर्ट में हिजाब का केस गया कि घूंघट का केस गया। नहीं नहीं, स्कूल के अंदर कौन लड़की घूंघट करके जाती है? इललॉजिकल बात करें। एक तारीख फतेह, तारीख फतेह, देखिए ऋग्वेद को मिसकोट ना करे एक तो कोई, ऋग्वेद को कोई मिसकोट ना करे।